नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस की खास खबरें। आज हम आपको तीन खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। एक मामला करनाल से जुड़ा हुआ है, जबकि दो मामले बाहर के हैं। बाहर के मतलब भारत देश से बाहर के हैं, लेकिन वो खबर इतनी इंटरेस्टिंग है, हम आपको दिखाएंगे। एक जज्बे और जुनून से भरी हुई खबर है और दूसरी पक्षियों से इंसान विदेशों में कितना प्यार करते हैं, वो उससे जुड़ी हुई खबर है। हम आपको पहली खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। कल रात जिले के गांव डबरकी कला के अंदर एक व्यक्ति का अधजला शव मिला। शव मिलने के बाद वहां सनसनी फैल गई। जिस व्यक्ति की लाश मिली है वह गांव डबरकी कला का ही रहने वाला बताया जा रहा है और वह 55 साल का है। और जैसे ही गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। मृतक जो है सुरेंद्र कुमार डबरकी खुद का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र शाम को 5 बजे घर से शहर को निकला था, लेकिन जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई। खेतों में उसका अधजला शव मिला। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि परिजनों ने जब हत्या का आरोप लगाया तो पुलिस ने आज सुबह गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। कुंजपुरा थाना पुलिस ने गांव के ही ओम प्रकाश और उसके 4 बेटों तथा प्रवीण कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जो हमें बताया है वो हम आपको बता देते हैं। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि मृतक सुरेंद्र कुमार जो था, वो उसका जो बेटा था, इस समय वो जेल में है और उसके ऊपर गांव की ही एक युवती ने 376 का आरोप लगाया था। रेप का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया था। अदालत ने उसे जेल भेज दिया था, लेकिन युवक और युवती के कोई इस प्यार प्रकरण मामले में जो भी हुआ उसका, उसके बाद शायद परिजनों का ये कहना था कि गांव के लोगों ने इसकी भड़ास निकाली है और 55 साल के सुरेंद्र कुमार को खेतों में ही जला दिया। आपको बता दें, पुलिस ने यह बताया है कि उन्होंने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस इस मामले में जाँच करेगी। जाँच करने के बाद ही पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसएचओ ने बताया कि परिजनों का आरोप था कि उसी रंजिश में ओम प्रकाश और उसके परिवार के लोगों ने सुरेंद्र कुमार को रंजिश के चलते मार डाला और उसे आग लगा दी। जैसे ही यह खबर गांव में फैली तो रात 10 बजे के बाद गांव के लोग खेतों में पहुँच गए, जिसकी सूचना कुंजपुरा थाना पुलिस को दी गई। रात को ही पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गांव में पहुँच गए थे, लेकिन परिजनों ने शव को नहीं उठने दिया। परिजनों ने कहा कि जब तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं करती तब तक वह किसी भी सूरत में शव को नहीं उठाने देंगे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने रात को किसी तरह गांव के लोगों को और परिजनों को शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया था। आज सुबह पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गांव के ही ओम प्रकाश और उसके 4 बेटों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसमें गांव का ही एक प्रवीण कुमार भी शामिल है, जिसके खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज किया गया है। एसएचओ का सीधे सीधे कहना है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज हो गया है, लेकिन अभी सभी 6 आरोपी फरार हैं। अपने चुन्नी उतार के उनके पैरों में रख दी, तब भी नहीं माना। लड़के ने हमारी गलती की है, उनसे कहा लड़के ने गलती करी है। नहीं, लड़का जेल में है। लड़की नाबालिग थी क्या? अच्छा, जो दूसरी लड़की थी उस केस में दोनों में परिवारों में झगड़ा चल रहा था, खेतों में काम करने घर के सामने आए, घर के पीछे ही है, घूमने आए थे बस। तो इनके खेत कहाँ पर है? ये साथ में है। तो ये खेत किसके हैं जहाँ पे? ये आपको अंदेशा कैसे हुआ, आपको कैसे शक कैसे हुआ? गांव तो वहाँ हो गया, यहाँ जैसे आग लगी है भागे, तो जैसे यहाँ आके देखा तो ये आगे पड़ा था, मार मोर के घेर दिया उन्होंने, आग लगा दी। तो आपको ये शक कैसे हुआ कि ये मारा ही है? आप खुद देख सकते हैं जी, ये तस्वीरें देखने के लिए आप। क्या नाम है, क्या क्या नाम है इनका? सुरेंद्र कुमार। जिनकी जिनकी मौत हुई है आपके रिलेटिव है?